और तेरा क्या रहा लेना वो आइडियापैड एल वो भाई पढ़ रहा है उसका कि मॉडल नंबर मेरा क्या है रिद्धि आपका टेलीफोन देखो ये टेलीफोन इसमें कोई चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं है क्या कर रही है ये आज नई टेक्नोलॉजी का है फास्ट ऑडिट करने चक्कर में फिर से गलती हो ठीक है सब पढ़ूंगा दिस सेट अपन के आर छा एंड दिस साइड रिद्धि सोनी वेलकम टू आवर हैकर्स ब्लॉग फास्ट ऑडिट करने चक्कर में फिर से गलती हो एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं थी उनको मेंशन प्रॉपर्ली करना चाहिए था जनरली क्या होता है कई बार एक घंटा दो घंटा एक दिन में रिपोर्ट्स मांगी जाती है सो एटलीस्ट उनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि हमें कौन सी चीज का पहले ऑडिट चाहिए दिक्कत ये हुई कि ना जैसे मैं ऑडिट कर रहा था तो ऑडिट करने टाइम पर उन्होंने मुझे स्कोप दिया था एक तो स्कोप जो हम लोग जब क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट डन करते हैं उस टाइम जो स्कोप फाइनल होता है वही हमारा थ्रू आउट जो टेस्टिंग चलता है तो उन्होंने अगर हमें टेस्टिंग का दे दिया कि भैया ना 15-20 वेबसाइट्स हैं और ना आईपी एड्रेस का कुछ बल्क दे दिया हमें और उसमें नेटेड आईपी एड्रेस और इंटरनल आईपी एड्रेस लिखा हुआ था तो उनका जो स्कोप था वो नए वाले में थोड़ा चेंज हो गया अब अपन ने जो स्कैन कर दे दिया उनको अर्जेंट में रिक्वायरमेंट था अपन ने स्कैन करा आईपी एड्रेस और उसकी वल्नरेबिलिटी जो रिपोर्ट थी वीएपीटी की वो अपन ने सबमिट कर दी अब क्या हुआ कि फिर वहाँ पे ना उनका स्कोप चेंज हो गया तो स्कोप चेंज अगर होता है तो बहुत दिक्कत होती है और बिना इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के टाइम पे आप स्कोप चेंज नहीं कर सकते तो ये भी गलती हो गई तो अभी सब बैठे हुए हैं क्या करें मीटिंग है अभी आधे घंटे बाद 5 मिनट्स बाद सो अभी हम उसको देखेंगे कि कोई नई वेबसाइट आई है पूरे दिन भर आज तो पूरा दिन भर निकल गया वही सब चीजें करने में काफी लोडेड चल रहा है मींस एक साथ बहुत सारी चीजें बल्क में आ गई है पहले उस दिन तो मुर्दे बग बाउंटी करना शुरू हुआ लोग नहीं चाहते हम लोग बग बाउंटी करें बता रहा हूँ क्योंकि कोई फ्री में काम करना नहीं चाह रहा है यहाँ पे हम लोग जस्ट उस पे आए थे कि आज से शुरू करेंगे उसके एक दो घंटे बाद से हमारे पास मेल आ गया था पहले से कितनी सारी करनी है टेस्टिंग अभी वही सब चल रहा है और इवन मेरा अभी सोर्स कोड का भी एक रीटेस्टिंग चल रहा है मुझे आज ही कंप्लीट करके सारा काम चल रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करो और बाकी घर पे भी कुछ नया नया मेरा काम चल रहा है तो बहुत जल्दी दिखाऊंगा वो सब चीज़ें भी पर थोड़ा बन जाए उसके बाद जाके दिखाएंगे श्योर तुम पूरे हिंट में पूरा सब कुछ ही बता दोगे इन्हें तो पूरा क्लियरली बोलो क्या हो रहा है वहाँ पे नहीं कुछ नहीं बताना अभी तो पापा कौन सा केस है रिद्धि कल केस आया था वो आज पुलिस स्टेशन भी गए थे एंड बैंक भी गए थे सो मेन चीज क्या था उनके 2 लाख समथिंग अमाउंट निकल गया 2 लाख ले थे उनके हाँ सच्ची 2 लाख समथिंग अमाउंट निकल गया एंड वो भी जल्दी जल्दी मतलब मानोगे नहीं 5 मिनट के ट्रांजेक्शन मतलब 35 ट्रांजेक्शन हो गए थे नहीं जल्दी कि वो एजेंट थे ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन थे उनको पता नहीं चला और उन्होंने एनी डेस्क एक्सेस कर ली उनकी फोन से एंड कई बार सॉफ्टवेयर के नाम से समझ में आ जाना चाहिए एनी डेस्क मतलब कोई भी हमारा डेस्क नहीं ठीक है जनरली ऑब्वियसली जो सीनियर सिटीजन है उनमें इतना नहीं होता है नून तो गलती हो जाती है फोन पे कभी भी कोई एप्लीकेशन बोले इंस्टॉल करने के लिए तो नहीं करा कर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उनको फोन पे बोला भी नहीं गया था वो जो सीनियर सिटीजन आए थे वो काफी वेल एजुकेटेड भी थे उन्होंने कहा था कि मुझे पता था लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं बोला और आपके पास आए हैं मीटिंग में बहुत बहस हुई एक्चुअली बहस भी नहीं थी वो मतलब उनको थोड़ा सा क्लीन रिपोर्ट चाहिए थी तो वो थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी वल्नरेबिलिटी टेस्ट करना और रीटेस्ट तो आज जो है ना हमारे क्लाइंट ने हमारा सर पका दिया और ना बोला कि भाई एन नंबर ऑफ टाइम रीटेस्टिंग करके दो अरे भाई एन नंबर ऑफ टाइम कौन करता है उसका बजट कैसे सेट करेंगे मतलब एन नंबर ऑफ टाइम क्या होता है वो भी यही कह रहे थे कि हम इतना हाई बजट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्लीन रिपोर्ट देनी पड़ेगी तो ठीक है उसको पर एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार भाई कितनी बार करेगा भरोसा नहीं तो भाई अपन ने बोला कि तू एन नंबर ऑफ टाइम्स चेक करके भाई एन नंबर ऑफ टाइम्स है क्या टेस्ट करने का भी एक बार रीटेस्ट 3 बार रीटेस्ट चलता है मतलब उससे ज्यादा रीटेस्ट पूरा ईयर ले लेता है भाई एक टेस्ट का पैसा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो जब रीटेस्ट होता है तो डेवलपमेंट वाला पार्ट जो रहता है वो भी काफी टाइम लगाते हैं उसको पैच करने में इस वजह से फिर वो दोबारा से रीटेस्ट में आता है तो अभी जल्दी से एक का काम बच रहा है वो घर ही जाके करूंगी अब वीडियो भी बनानी घर जाके बनाऊंगी चलो रिद्धि कौन सी वीडियो डालने वाली तुम बताऊंगी कौन सा बताऊंगी अभी बनने तो दो अच्छा बनानी अभी तक बन गया है हाफ प्रिपेयर्ड हाफ घर पे आज रीटेस्टिंग में क्या हुआ दफन तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो थका इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि तुमने बोला स्वेटर दिलाना था वो तो मजाक था जस्ट ये मजाक है ना कैमरे के सामने क्यों होता पीछे क्यों नहीं होता है
नहीं, और बताओ अभी क्या करते थे? मतलब मीटिंग से पहले घास काटा था बैठ के फिलहाल, तो भी मैं वही फटका चेक कर रहा था मैं कौन कौन सी कंपनियां क्या क्या कितना कितना आया। बहुत सारा पेंडिंग वर्क है, उसको भी निपटाना है। एक्चुअली मैं कई बार काम करते करते हम भूल जाते कि इससे पैसा लेना है। चार ऑडिट होते थे, फिर सोचते कि उसका पैसा तो अपन रेज ही नहीं करा। एक ऐसी कंपनी का था, अच्छा बड़ा अमाउंट था, मैं भूल ही गया उसका बिल रेज करना। फिर अभी चेक करा तो मैंने भाई इसका बिल रेज नहीं करा, तो मैं इनवॉइस रेज करके भेजता हूँ, बोलता हूँ भाई की पेमेंट करा है, थोड़ी ना काम चलेगा तेरा यार। सच्ची तो हमारी खुद कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ बेस्ट है। और आप अगर हम कुछ कर दें तो फिर वो इशू नहीं। नहीं, जो लोग हमारे ब्लॉग को बड़े गौर से देखते हैं, तो कोई भी एक से दो आदत आप जरूर बताइए रिद्धि की, जो रिद्धि बार बार करती है फिर भूलती है हमारे इस ब्लॉग के अंदर। और मेरी दो आदत एक्जेक्टली भी मना कर दिया, मतलब बोलना मेरी दो आदत जो बोलती थी तपन ने मुझे टोक दिया, मैं एक्जेक्टली भी छोड़ ऐसे नहीं होता है कोई एक्जेक्टली। मतलब कोई दो आदत आप बताइए हमें कमेंट करके, वो जो रिद्धि बार बार बोलती है वीडियो के अंदर और मैं जो बोलता हूँ बार बार वीडियो के अंदर। क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता ना, ये जो देख रहा है वो बताएगा। रिद्धि आपका टेलीफोन देखो, ये टेलीफोन मैं कोई चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं है, क्या कर रही है? ये आज नई टेक्नोलॉजी का है, वायरलेस है। वायरलेस यस, नया टेक्नोलॉजी चल नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं चलता तुम्हारा वायरलेस लेके। सीरियसली ये बिल्कुल फेक है और ये डमी के लिए रख रखा है। यहाँ पे रख क्यों रखा है वैसे? ये पता नहीं रखा हुआ था, कुछ ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। इसकी टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमें लगा पर टेस्टिंग में कैसे, हाथ पैर तो इसके। अच्छा हाथ पैर है ना, ये कान में लगा रखा। गौर से देखे इस आदमी को, शक्ल देखे इसका। अभी तो ये इतना क्या कोविड, तेरा कोविड-19 बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा रे। पूरा अंधेरे में बिल्कुल मास्क वास्क लगा के। कैसी लगी तुम लोगों की मीटिंग? एक नंबर लगी। तुम्हारी शक्ल देखो, एक नंबर लग रही है। चलो एक नंबर लगी। कुछ मिला सीखने के लिए? बिल्कुल सर, मैंने सर बिल्कुल लिख लिया है सर, बिल्कुल नोट्स बना लिए हैं। अच्छा, आपने जो कहा उन्होंने जो कहा वो सब। अबे इधर कुछ थाई थी उसके अंदर, एक्चुअली मीटिंग की दूसरी चीज थी, बैठा पर गलत गए थे। हाँ सब लिखा मैंने, सब बोला आपने, जो बोला मैंने कर लिया। ये कहाँ से वे? वो मीटिंग दूसरी की थी एक्चुअली, अपन को बैठना किसी और में था। नीरज तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ? किस चीज का? किस चीज का? लड़के का आया था ना रिश्ता तुम्हारे पास? नहीं, लड़के का नहीं है, वेट कर रहा है मतलब लड़के का आने का। गंदा आदमी। तो आकाश यहाँ पे टेस्ट कर रहा है अपने नए लैपटॉप के साथ में। आकाश कौन सा लैपटॉप है तेरा? HP। तो एक बार जला दो लाइट, जला दो। ये भाई देखो पर्पल लाइट, आदमी की पसंद तो देखो पर्पल हो गई आज की तारीख में। कैसा लैपटॉप है, बढ़िया है काम करने में? एकदम शानदार। टेस्टिंग के लिए कैसा है? शानदार। शानदार लैपटॉप है एकदम। और हीट वीट तो नहीं कर रहा? नो। और हैंग वगैरह? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। HP का कौन सा है ये? Pavilion। यस सर। और तेरा क्या रहा है लेना? वो IdeaPad L30। वो भाई पढ़ रहा है उसका कि मॉडल नंबर मेरा क्या है। तुम्हें कितने रुपए दिए इस लैपटॉप के लिए? सर लैपटॉप कितने रुपए दिए तुमने? 55 है ना। अगर डूम बढ़ जाओ 55,000 देखे तुम्हें पता नहीं मॉडल नंबर क्या है उसका। इससे आपको जिसको वो पता है ना पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या है सर? FX 5GTA। ये कंजर आदमी सारी ये लगता ही है, इसको पता है कौन सा बिजनेस लास्ट टाइम कितना खाया था। रिद्धि चलने की तैयारी कर रही हो? अभी मुझे एक्चुअली लैपटॉप लेने जाना है। हैं लैपटॉप? कौन सा लैपटॉप ले रही हो? एक मैंने बुक करा रखा है मैक का, वो लेने जाना है। मैक? ये आलू टिक्के का मैक बर्गर नहीं जो तुमने बुक करा रखा है, मैक बुक होता है वो, है ना? तो प्यार से बोलिए, शॉर्ट फॉर्म है ना भाई। अच्छा बिल्लू जैसे ना, आदित्य का आदू वो पौधू ऐसा। चले मंसूर। हाँ सर। चल तो मतलब कैमरे पूछूंगा नहीं तो मतलब जाएगा नहीं क्या? और मंसूर बढ़िया चल रहा है? कैसे चल रहा है तेरा जीवन? सुख समृद्धि। हाँ वैसे सब समृद्धि समृद्धि, फिर भी पीछे कहीं ना कहीं साउंड आ ही रहा है तुम्हारा ना रिद्धि का। सही चल रहा है क्या भाई? सही बता दे। वैसे ये इतने खाली खाली, मतलब जनरली क्या होता है फ्रेम्स में कुछ फोटोज लगे हो, कुछ अचीवमेंट्स लगे हो या कुछ डिजाइन पेंटिंग्स लगे हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज वाइड एंगल लेंस यूज नहीं करा अपन, थोड़ा दूर रखो कैमरे को वरना मेरा बेकार आएगा। हमारे हमारे ऑफिस में ब्लैंक लगे रहते हैं फ्रेम्स, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ सेकंड। हां तुम ही दिखाओ। देखो ये तपन ने लगवाए, ये ब्लैंक फ्रेम, और इधर चलते हैं अपन, यहाँ पे भी ब्लैंक फ्रेम, मतलब एक पता नहीं कौन सा यूनिकनेस दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग। ब्लैंक फ्रेम ये ब्लैंक फ्रेम जो है ना, ये ना बताता है कि हम यहाँ पे अचीव करेंगे और फिर लगाएंगे।
मतलब और थोड़ा सा जनरली क्या होता है, कई बार तपन का ऐसा है कि कुछ चीज़ कर रहे हैं ना तो बहुत सारी बल्क में कर देते हो, फिर वो ना कचरा जैसा लगता है मतलब। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने ना कील लगा रखी है फ्रेम्स लटकाने के लिए, वो तो मैंने कम लगवाई, मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाएगा और ब्लैंक फ्रेम्स है, आप गैस नहीं कर सकते, गॉडी हो जाएगा, ब्लैंक गॉडी हो जाएगा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। अरे यार एक सेकेंड, ब्लैंक फ्रेम्स है, अब ठीक है कुछ भी लगाओ इधर ही ऐसे रहने दो, है ना। तपन पीछे उधर पंखे से ना तपन चूहा आ जाता है। हाँ तो यही देखो अब तुम चूहा आता है, और ये दिखाओ सब लोगों को भी चूहा आता है। देखो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। अरे को क्या दिखाने वाली बात है, चूहा ये वो जगह है जहाँ से चूहा आ जाता है हमारे। अरे लोग आपको ये एलईडी हमने लगाई है भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए, पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही बाहर हो गए क्योंकि दोनों मित्र हैं तो दोनों ही बाहर हो गए हमारे। यहाँ पे भी फ्रेम लग रहे थे, फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे एलईडी लगा दो, देखो ऐसे कोई भी टकरा जाएगा गिर सकती है। अरे निकल जाएगा वो, मंसूर ने लगा, मंसूर ने निशांत लगाया ना, ये निशांत की तरह, ये जो हल्का सा निशांत बॉय जल्दी चला जाता है तपन डेली। हाँ उसको जल्दी भेजेंगे अपन। आपको दिखाता हूँ एक और इंसान जो बेसिकली इस हाइट पर टच कर जाता है, ये आदित्य। आदित्य तेरी हाइट इसके बराबर है ना सर, देख लो। लास्ट टाइम हमने जब घर का काम करवाया था ना तो मैंने इसी को बुलाया था, यही सीढ़ी की तरह चढ़ गया था और इसी सारा पेंट वेंट सब कर देगा। सर ने अभी बोला था कि थोड़ी देर पहले कि कोई ना कोई तो चाहिए, हाँ। निकालने के लिए ना सर ने मुझे पकड़ लिया। मुझे कोई ना कोई चाहिए होता है बेइज्जती करने के लिए, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे। अभी आदित्य मिल गया, रदिया कर रही हो? हाँ बोल बोल, तू बोल तू बोल। नहीं नहीं सर मैं कार्टून बात करती हूं। अच्छा बात करके सर बात कर रही है आपसे, आप कॉल कर रही है सोर्स कोड रिव्यू के लिए, सर भी देखते अपना वीडियो। हाँ Just a second, 2 minutes. अरे ये कहता 2 मिनट है ये। वो हैकर होगी गैंग, चलना है क्या अपन को? हाँ चलें, हाँ चलें। हाँ अभी अकेडमी दिक्कत आ रही है, मतलब अकेडमी दिक्कत जा रही है, अभी कोविड चल रहा है, वरना रात भर रुक जाता है आज ही यहीं पे। चलता है ना, सर्दी बढ़ रही है ना। अच्छा ओ भाई गर्मी, हाय गर्मी। नहीं अपना सो चलता है, मैं जानता हूँ। अबे लाइट तो ऑन कर भाई, मेरे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, काला कर दिया भाई ने। एडिटिंग कर देंगे। सो मेन चीज अब हम लोग, हाँ। निकलने का समय आ गया है, लाइट्स भी जल गई है, बंद कर देंगे अभी हम लाइट्स और अब हम निकलते हैं। सो आज के व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छा लग रहा है तो, और लाइक शेयर कॉमेंट भी करना ना भूलें भाई। तीन चीज बोलते, तीन चीज कर लिया करो, एटलीस्ट लाइक मार दिया करो वीडियो पे, और कुछ डाउट वगैरह हो ना, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो भाई कमेंट में डालो, पूछो, आंसर रिप्लाई देंगे। थोड़े दिनों में लाइव भी आएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए इतना ही, थैंक यू। दिसंबर में लाइव आएंगे हम? हाँ बिल्कुल दिसंबर में, हाँ दिसंबर में आएंगे, या नवंबर में आ जाएंगे क्योंकि हमारे लाइव वाला भी स्टार्ट हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही, आवाज ही नहीं आती है बार बार, तो इस वीडियो में इतना ही कर रहा हूँ मैं यार। हाँ उसमें आवाज आती है अभी, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।